सार्वजनिक हमारे संत महात्मा गुरुदेव आदर के बुजुर्गों हमारी माता बहने जो भैया लोग भगवान की पावन कथा श्रवण कर रहे हैं सभी का व्यास जी से बहुत बहुत सम्मान है। जगत गंगा जगदम्बा गंगा जी के रेत में बैठे श्री सुखदेव जी महाराज पंड वंश में उत्पन्न राजा परीक्षित को भगवान की अमृत माई वाणी से कथा को श्रवण करा रहे हैं। बिटिया बहनों भाइयों नैमिष में श्री सूत जी बोले ऋषियों आज इस पवित्र स्थान पर भगवान की कथा का आपके क्षेत्र में आपके नगर में ज्ञान महायज्ञ का प्रोग्राम आज चतुर्थ दिवस है। माता बहनों कितने दिन हो रहे हैं? चार दिन गुजर रहे हैं। चार दिन यज्ञ भगवान का प्रोग्राम आज चौथा दिन है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने बहुत कथाएं सुनी सुनके डाल दिया। सुनी यानी सुनी सुनके डाल दिया। कथा को ज्यादा समय नहीं लूंगा, 10 मिनट में लूंगा। कथा को किस प्रकार से श्रवण करना चाहिए भाइयों? देखो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को गंगा जी के किनारे कथा को श्रवण कराया सुनाया। राजा परीक्षित भगवान की पावन कथा माता बहनों पहले सुनते हैं और फिर उस कथा को गुनते हैं और फिर उसमें छटनी करते हैं कौन बढ़िया बात है कौन खराब बात है। भाइयों तो पहले कथा को श्रवण करिए और श्रवण करने के बाद में जो पंडित जी व्यास जी आपको बताएं उसके आधार पर आप चलने की कोशिश करिए। ये राम कथा हमें क्या सिखाती है? राम कथा हमें सिखाती है किस प्रकार से चलना चाहिए। भागवत हमें सिखाती है कि भगवान हमें किस प्रकार मिलेंगे, यानी भागवत सिखाती है भगवान को कैसे पाएंगे। राम कथा सिखाती है कि किस प्रकार से इस मृत्यु लोक में हमें चलना चाहिए। आज भगवान की पावन कथा आपके यहाँ चौथा दिवस है। अभी आप लोग बहुत बढ़िया श्रवण कथा कर रहे थे सादर सर्वश्री शास्त्री बंदरा जी के द्वारा जो हरदोई की पावन भूमि से आई हुई हैं, राजा बलि का इतिहास। लेकिन यहाँ पे एक बात हमारे समझ में आई है कि जो राजा बलि थे माता बहनों राजा बलि इनके माँ नहीं थी। आप लोग सोचेंगे माँ नहीं थी फिर ये जन्म कैसे हुआ इनका? माँ नहीं थी, राजा बलि के माँ नहीं थी माता बहनों। लेकिन इनके जन्म कैसे हुआ बिटिया बहनों भाइयों? जिस समय इनके पिता का नाम था विरोचन और विरोचन के बिटिया बहनों कोई संतान नहीं हो रही थी। लेकिन आजकल भी लिखा है भागवत में कि जो पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाएगा, वैसे यज्ञ तो बहुत है, ये आपके यहाँ ज्ञान यज्ञ चल रही है, बहुत यज्ञ है, पुत्रेष्ठ यज्ञ, विष्णु यज्ञ, चंडी महायज्ञ है। इसमें खास बात क्या है? जो पुत्रेष्ठ यज्ञ पहले के जमाने में करवाता था उसके पुत्र हो जाता था। तो विरोचन के कोई संतान नहीं, ब्राह्मणों के द्वारा उन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। ब्राह्मणों ने बंधो कलशों को सुजज्जित करके यानी मंत्रों को पढ़ करके यज्ञशाला में रख दिया। ब्राह्मण लोग कहने लगे महाराज, विरोचन बोले क्या बात है प्रभु? तो विरोचन बोले बताइए आज ब्राह्मण यज्ञाचार्य महाराज बोले देखो ऐसा है, ये जो मेन कलश है इस कलश का जल जो है अपनी रानी को पिला देना और जो है 10वें महीने तुम्हारे आंगन में एक पुत्र खेलेगा। बोले ऐसी क्या खास बात है? बोले आप ये पुत्रेष्ठ यज्ञ करवा रहे हैं, 7वें दिन जब ये जल परिपूर्ण हो जाएगा तब रानी को अपने पिलाना, इसी जल के द्वारा पुत्र हो जाएगा। समझने की बात ये है, राजा विरोचन यज्ञशाला में रुक रहे हैं, लेटते हैं,
लेकिन एक दिन का समय माता बहनों, जेठ का महीना आधी रात्रि का समय संक्रमण करेगा, आधी रात्रि का समय विरोचन के लगी भैया प्यास। अब विरोचन ने विचार किया शाम के वक्त यज्ञशाला यानी भगवान को छोड़ के घर नहीं जाया जाता, अगर मैं घर जा रहा हूँ तो ये अपमान हो रहा है। अब विरोचन ने वही जल को पी लिया, वही जल पी लिया। अब पीने के बाद में जब समय पूरा हुआ भैया, तो पेट फाड़ को जो है एक पुत्र को निकाला गया जिसका नाम था राजा बलि। अभी आप लोग कथा श्रवण कर रहे थे, राजा बलि दैत्य वंश में हुआ। मैंने एक चीज गुरुजी ने बताया, राजा बलि दैत्य वंश में जन्म लिया, लेकिन राजा बलि दान धर्म क्यों करने लगे, इसका रीजन क्या है? जैसा होगा बाप वैसा होगा पुत्र लड़का, जैसी होगी माँ वैसी होगी बिटिया। भाइयों, ये दैत्य वंश में जन्म लिया लेकिन भगवान की भक्ति क्यों करने लगे, व्हाट इज रीजन? दैत्य भगवान विष्णु की पूजा कभी नहीं करते, शंकर भगवान को मानेंगे, ब्रह्मा जी को मानेंगे, लेकिन विष्णु जी की पूजा नहीं करेंगे। लेकिन आज यहाँ पर राजा बलि भगवान विष्णु जी का पूजन करने लगे, भगवान विष्णु जी का इतना पूजन करने लगे। एक चीज और बता दूं, राजा बलि के महारानी का नाम था विंध्या बलि। अभी आप लोग कथा श्रवण कर रहे थे, भगवान राजा बलि के यहाँ परीक्षा लेने के लिए गए, परीक्षा लेने के लिए गए। आप लोग अभी कथा सुना, कहां तक थोड़ी देर जाने ना। भगवान गए हैं राजा बलि के पास में, क्या मांगा? सीतावन बोले चाहिए नहीं, तेरी धन दौलत भूमि का अकेला हो तो तू राजा। क्या हुआ? पावन बोले चाहिए नहीं, पावन बोले चाहिए नहीं, तेरी धन दौलत भूमि का अकेला हो तो तू राजा। देना हो तो देव राजा मन धरती सारे आज भगवान विष्णु कहने लगे, राजन हमें कुछ नहीं चाहिए, थोड़ी हमें एक चीज आपसे मांगना है। माता बहनों देखो, भगवान की कथा में हर चीज समझिए। अगर कोई द्वारे पे संत महात्मा आ जाए, भिखारी आ जाए भीख मांगने के लिए, तो पहले खूब विचार कर लेना ये भिखारी है। ऐसा तो नहीं कि कोई चोर डकैत है, शाम को दिवाले दिन में देखने आया और शाम को लूट ले गया। ऐसी बहुत डकैतियां पड़ गई। अभी हमारे यहाँ जो है ये पड़ता है अटारी गांव, 8 लाख रुपए का जेवर चोरी हो गया। कैसे हो गया? गांव चल रही थी भागवत, सब लोग भागवत सुनने चले गए, वहां चोरी हो गई। लेकिन ऐसा आप लोग शंका मत करिएगा, दिमाग टेंशन में मत लाना कि ऐसा ना हो कि घर में कोई नहीं, हम यहाँ हैं, ये मत सोचिएगा। भगवान के दरबार में आए हो आप लोग, सब कुछ छोड़ दीजिए, सब कुछ त्याग करके तब भगवान की कथा सुनना चाहिए। खैर, राजा बलि बोले, भगवान आप बताओ क्या चाहिए आपको, जो मांगोगे मैं वही दे दूंगा। भगवान बोले ज्यादा नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? बोले केवल 3.5 कदम धरती दे दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि बोले प्रभु, अरे 2 घंटा से झंझट डाल के रखा है, अब मांगा तो मांगा 3.5 कदम धरती, अरे अभी मांग लो, जो मांगोगे वही दे दूंगा। भगवान बोले नहीं भैया, हम देखो इतने बड़े तो है, इसी में मेरा रसोई हो जाएगा, इसी में सैन कक्ष हो जाएगा, इसी में कमरा हो जाएगा, इसी में मेरा सब कुछ हो जाएगा, नहीं अब कुछ नहीं चाहिए।
माता बहनों भगवान ने क्या किया, भगवान बोले भैया ऐसा करो तिरवाचा कर दो। राजा बलि बोले आप जो कह रहे हो जो मैंने कहा वही दूंगा वही दूंगा वही दूंगा, हो गया तिरवाचा। महिमा विश्व बिहारी के जो तिरवाचा करवाया तो नारियल का कमंडल है भगवान के पास में, बोले राजा इस कमंडल को लीजिए और संकल्प हमारा कर दीजिए तब मैं अपनी जगह को नापूंगा। और जैसे कमंडल लिया सो ये घटना हो गई। घटना क्या हो गई, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य महाराज आए गए और शुक्राचार्य जो ही भगवान को देखा, शुक्राचार्य जानेगा ये चीर सागर वाला भगवान विष्णु है। शुक्राचार्य दूर से आवाज लगाया, शुक्राचार्य बोले चेला जरा इधर आओ। राजा बलि बोले गुरु जी थोड़ा समय दे दो। भगवान बोले क्या करेगा, बोले गुरु जी आए हैं बुला रहे हैं और वहीं जाऊंगा। भगवान बोले जल्दी जाओ और जल्दी आना। तो शुक्राचार्य राजा बलि बोले ठीक ठीक प्रभु, गए पैरों को छुआ। क्या बात है गुरु जी क्या हुआ। शुक्राचार्य बोले गुरु जी बाद में पहले ये बता ये गद्दी पे कौन बैठा है, गद्दी पे कौन है। राजा बलि बोले कोई नहीं कोई नहीं, कौन बौना महात्मा आओ है वह बैठो। बोले कुछ मांग रहा है, बोले मांगा है क्या मांगा है, बोले सारे तीन कदम धरती मांगी है, तिरवाचा हो गया था संकल्प होने जा रहा था तब लो आई गये आप। शुक्राचार्य बोले दिमाग ना खराब होए, बोले क्यों मालूम ये कौन है, सुनो महिमा विश्व बिहारी के और साढ़े तीन कदम धरती। साढ़े तीन कदम धरती ए लीला लीला भारी आज भगवान शुक्राचार्य बोले राजन ये चीर सागर वाला भगवान विष्णु है, जा मना कर दे जा कह दे हम नहीं दे पाए। भैया एक बात और बता दे पांच मिनट और कथा। राजा बलि बोले गुरु जी यही चाहे विश्व के बिहारी हो, चाहे हमका भिखारी बनावन आए हो, चाहे हमें राजा महाराजा बनाने आए हो, आज मैं इनको साढ़े तीन कदम धरती जरूर दूंगा। के भैया मर्द आदमी कौन है, मर्द कौन है, मर्द आदमी वही है बात कहे बदले कबहू ना, वही है मर्द आदमी। आपके यहाँ भागवत हुई रही और भागवत मियाँ शाम के यहाँ लगाई आए पौवा दुई का भैया तो भंडारा कर लिया है दुई तीना तेल और 5,000 रुपया हम देते दे। और घर गए जब इंस्पेक्टर साहब जब धर के हाँ खरभाली तब सुबेरे आए फिर कहा यार बन नहीं पैया में फीस जमा करे फलानो ढिमा को तब हाँ मर्द आदमी वही है जो बात कह दे और अटल हो जाए भाइयों। राजा बलि बोले गुरु जी ये भिखारी बनाने आए हो, यहाँ कुछ भी करने आए हो, आज मैं इनको साढ़े तीन कदम धरती जरूर दूंगा। गुरु जी बोले ना ही मान तो जाओ जाओ चल भे। राजा बलि भगवान पास हम आए गए, भगवान बोले क्या देरदार कर रहे हो, जल्दी संकल्प करो अपन नापी अपन घर बनवाई देर कर रहे हो। तो कमंडल लिया
कमंडल दिया माता बहनों, नारियल के कमंडल में एक साइड में टोटी लगी होती है, टोटी। तो शुक्राचार्य ने विचार किया, ये चेला हमारा पैसा के घमंड में है, दान दे नहीं पाएगा, बदनामी हो जाएगी हमारी भी, कि शुक्राचार्य का चेला और दान नहीं दे पाया, बदनामी हो गई है। तो शुक्राचार्य ने क्या किया, एक छोटा सा रूप बनाया और वही टोटी के भीतर बैठ गए, टोटी के भीतर। और जो ही बैठे तो राजा बलि बार बार जल नावे लेकिन गिरे नहीं भैया, क्यों? बिना ढाट करे ढाट लग गई। क्या किया भगवान ने? राजा बलि बोले प्रभु अरे इसमें जल तो है नहीं। भगवान बोले देखाई, अरे अभी तो लाया था तो इसमें जल था, देखाई। तो जैसे बंधु उसके अंदर झांक करके देखा तो शुक्राचार्य घुघुआ जानत भैया, घुघुआ के नाट टुकुर टुकुर बहरा ही देखा है। भगवान बोले राहु दोष भाई तुम्हें मजा दे रहे हम। तो भगवान ने क्या किया माता बहनों, एक कुसा की लकड़ी उठाया कुश की, अब भगवान तकर रहे जान के याक बाजार दुबग्गा वाली खत्म, निकल भगे। क्या लिखा, बैठ गए पानी की धार लकड़ी डाल दई हई पानी आंख फोर डाले आज। भगवान ने जैसे शुक्राचार्य की आंखी फोड़ी, शुक्राचार्य माता बनो निकल के भगे। भगवान बोले आई लेव जाए कहाँ रहे, आई लेव के भैया अब याक बच्ची का वह फोराई दे, एक बच्ची है आपका वो भी फोरा दे। देखो माता बहनों यही भागवत में तीन लोगों की राम आंखें फोरी गई, रामचरित मानस में भागवत में तीन लोगों की आंखें फोरी गई। नंबर एक यहाँ फोर दी गई के भैया यहाँ क्यों फोरी गई माता बहनों, नहीं समझी यहाँ क्यों फोरी गई? अरे एक दान ले रहा है, दूसरा दान दे रहा है, अब तीसरे को क्या परी? देखो ऐसा है रुपया 10,000 ना करियो, उनके तिर खुद एक तो है लगाई है, 5,000 करियो तो आंखी फोर दीजिए यही है। अरे एक दान दे रहा, दूसरा दान ले रहा है, तीसरे को बोलना नहीं चाहिए। यहाँ तक लिखा है इस हाथ से दान करिए, ये हाथ ना जान पाए। माता बहनों अगर घर में पति महाराज दान देते हैं देने देना, भैया लोग अगर माता बहनें दान करती हैं करने देना, क्यों? दान की महिमा बड़ी अपार बताई गई है, लेकिन कभी रोकना मत, अगर रोकोगे तो पाप लग जाएगा, पाप लग जाएगा। भागवत हो रही, कथा सुनने जा रही तो जाने देना, आप लोग कथा सुनने आ रहे हो तो माता बहनों आने देना, रोकना नहीं। धर्म के कार्य में जो रोकता है उसको पाप लगता है भाइयों। शुक्रा जी की एक आंख फूट गई, शुक्राचार्य निकल भगे। भगवान बोले भैया ये लीजिए कमंडल को, संकल्प करो
तो जैसे भैया कमंडल राजा बलि ने लिया और जो हल्का झुकाया तो पानी निकल आया माता बहनों। राजा बलि बोले प्रभु अरे इसमें क्या था जो अभी मैं ना रहा था और पानी गिर नहीं रहा था जल, अब कहां से आ गया? भगवान बोले चिंता ना करो, देखो ऐसा है हम ज्यादा दिन से इसको साफ नहीं किया था तो इसमें कचरा बैठ गया था, देख लो उनकी फूट गई आंखें, उनको पड़ा कचरा भैया। तो भगवान के कार्य में बाधाएं कभी मत लाइएगा विद्यावन भाइयों। आज संकल्प किया है, भगवान कहने लगे नापू, हाँ नापिए, तो भगवान ने अपना बहाया है विश्वरूप। क्या लिखा कि उस विश्वरूप की छाया ने सूरज के अंश झांप डाले। भैया उस विश्वरूप की छाया ने सूरज के अंश झांप डाले और तीन ही कदम की गिनती में, माता बहनों तीन ही कदम की गिनती में हई तीनों लोक ना पदाले। विश्वरूप की छाया भैया उस विश्वरूप की छाया ने सूरज के अंश झांप डाले, तीन ही कदम की गिनती ने प्रभु तीनों लोक नाथ डाले। तीन ही नापा माता बहनों, क्या नापा? अरे चीन और जापान नाप ले और नाप जरा सिंधु गुजरात, यानी एक पैर में मृत लोग द्वितीय पैर में ऊपर गया वो नप गया, द्वितीय पैर में तीन पैर में तीनों लोग नाप लिया। अरे पहलो पैर धरो ऊपर को और पहुंचा ब्रह्मलोक मा जाय, और पग पहचान लियो ब्रह्मा ने धो गंगा लियो बना, पग पहचान लियो ब्रह्मा ने धो गंगा लियो बना। माता बहनों एक पैर में मृत लोक नप गया, द्वितीय पैर में ऊपर नप गया, तीन पैर में तीनों लोक नप गए भैया, तीनों लोक नप गए। बिल्कुल दो मिनट और बता दूं आप लोगों को। अब जब आधा डग धरती घट गई तब राजा बलि ऐसे देखा है, राजा बलि प्रभु, राजा बलि बोले प्रभु आप, भगवान बोले आप नहीं मैं हूं तेरा बाप। आधा डग धरती दे, अरे बहुत बड़ा दानी बनता है। राजा इंद्र गया आधी रात्रि को हमारे पास रोने लगा, अगर तू आधा डग धरती नहीं देगा तो तेरी बदनामी हो जाएगी। राजा बलि बोले प्रभु आप भगवान हो, मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ, मैं नहीं दे पाऊंगा। भगवान बोले नहीं देगा तेरी बदनामी हो जाएगी। राजा बलि बोले प्रभु थोड़ा अच्छा समय दे दो हमें। भगवान बोले क्या करेगा, क्या करेगा? राजा बलि बोले प्रभु घर जाऊंगा। भगवान बोले का घर में रखी है, घर पे रखी है? राजा बलि बोले सहित प्रभु कहूं रखी हो के भैया। आज राजा बलि धीरे धीरे घर गए, घर गए, माता बिना समय बहुत कम है, धीरे धीरे घर गए। रानी जो राजा बलि को देखा, देखो स्त्री का धर्म है कि पति के चेहरा को देख करके जान जाए कि इनके मनवा हाई का।
के माता बहनों, ये भागवत कह रही, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, भागवत। स्त्री का यही धर्म है कि पति के मन की जान जाए, वही स्त्री भैया। पति पति जिसको चाहे सुहागिन वही है, और मन से उतर जाए अभागिन वही है। बिटिया बहनों भाइयों, राजा बलि के जो मन को देखा तो